हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, माई सेल्फ मुकेश परमार एंड यू आर वॉचिंग प्रतिष्ठा पब्लिक स्कूल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम प्रेजेंट विथ न्यू रूल अबाउट टू। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू यूज अबाउट टू एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ अबाउट टू व्हेन वी यूज अबाउट टू विथ अ वर्ब। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट टू। ओके, अबाउट टू जब होता है, अबाउट टू का मतलब होता है अगर आपके हिंदी वाक्य में उसके अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में अगर मुख्य क्रिया हो और मुख्य क्रिया के साथ बाला बाली वाले शब्द आता है, प्लस बाला बाली वाले अगर शब्द आता है तो उस बाला बाली वाले के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। ओके, अब बाला के साथ है जुड़ेगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, बाला के साथ अगर पास्ट था जुड़ता है तो वो पास्ट हो जाएगा, और गा जुड़ेगा तो वो फ्यूचर हो जाएगा। तो इस तरीके से ओके, तो दस वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, इफ वी मेक सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट देन वी विल पिक इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, अगर मैं आ रहा है, अगर कोई सेंटेंस बोला जैसे मैं, तो मैं के साथ एम आता है तो एम का यूज करेंगे प्रेजेंट में, लेकिन अगर पास्ट में है तो वॉज वर्ब। तो यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनका यूज करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, अगर आपको नहीं पता है तो यू मस्ट गो इन माय प्रीवियस वीडियोस एंड यू मस्ट वॉच देम। ओके, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल लर्न हाउ टू यूज इज एम आर वॉज वर्ब एंड विल बी शैल बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, बस हमें यहाँ देखना है कि बाला वाली के लिए हमें अबाउट टू का यूज करना है। अब हम अबाउट टू का यूज करके कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है। किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इनमें से हमें हेल्पिंग वर्ब को लेना है, उसके बाद हम लिखेंगे अबाउट टू, क्योंकि हम अबाउट टू के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग हियर ओके अबाउट टू। सो वी विल पिक अबाउट टू एंड जस्ट आफ्टर अबाउट टू यू हैव टू ओके टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप इसको यूज करेंगे, यू विल यूज ऑफ दिस ओके वे एंड यू विल मेक सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस लाइक, जैसे कि ओके आज मैं अबाउट टू का रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, आज मैं अबाउट टू का रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मैं करने वाला हूं तो आई एम अबाउट टू, और एक्सप्लेन तो आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन ओके द रूल ऑफ अबाउट टू टुडे। क्लियर, तो ये हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस। यहां पर सेंटेंस भी है, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, अबाउट टू आपको स्ट्रक्चर से ही लेना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म एक्सप्लेन ओके अबो और ऑब्जेक्ट अबो रूल टुडे। क्लियर, ऊपर दिया गया रूल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, अब यहाँ पास्ट बनाना होता तो वॉज का यूज कर लेते, फ्यूचर बनाना होता तो शैल बी का यूज करके हम फ्यूचर बना सकते थे ओके या बना सकते हैं। तो वी कैन मेक सेंटेंस यूजिंग हेल्पिंग वर्ब ओके एंड वी कैन ऑल्सो चेंज दैट सेंटेंस ओके इन एनी केस इन एनी टेंस लाइक प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर एनी वे, बट ओनली यू मस्ट रिमेंबर दैट वन थिंग दैट इज द हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ी सी रूट को समझे हम, अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है। तो देखो अबाउट का मतलब, तो जो अबाउट के साथ ये जो टू है ना, ये इनफिनिटिव है, नॉन फिनिट के अंदर फिनिट ओके। तो यहाँ पर ये जो टू वर्ब टू है, टू का रूल्स है कि टू के साथ जब भी अगर किसी के साथ टू आता है तो टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। ये जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो टू केस है ओके वो नॉन फिनिट के अंदर ओके इन्फिनिटिव केस है, इन्फिनिटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे जेरंड में हमेशा एनजी फॉर्म आती है, वैसे टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर, अगर हम एक चीज और देखें तो यहां पर एक चीज को और अच्छे से समझ लें, टू के अलावा जितनी भी प्रपोजिशन होती है अगर वो आ रही है, चाहे ऑफ हो, इन हो, या और फॉर हो, फ्रॉम हो, उसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो वर्ब आपको आईएनजी फॉर्म में लेनी है, मतलब जेरंड फॉर्म में लेनी है।
क्लियर। बस टू एक एक्सेप्शनल केस होता है, टू इज हियर एक्सेप्शनल केस, सो यू विल पिक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब और इसके अलावा हम समझ सकते हैं, हमने हैज टू हैव टू पढ़ा है, ओके उसके साथ हमने कंटिन्यू टू पढ़ा है, या नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे उसका ही वीडियो बनाएंगे, आई विल मेक ओके नेक्स्ट वीडियो अबाउट टू कंटिन्यू, ओके। सो टू के कंटिन्यूड टू, हैज टू हैव टू, अबाउट टू, ऐसे जो भी होता है, एम टू आर टू, ये सारे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम लेते हैं। क्लियर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, अबाउट टू लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट लेंगे। आई एग्जाम्पल, आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन अबाउट रूल्स। आई एम अबाउट टू मीन्स मैं करने वाला हूँ, ओके एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अबाउट रूल्स, ऊपर दिया गया रूल्स, टूडे आज मैं आज ऊपर दिए गए रूल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब बाला वाले की सिचुएशन में आपको बाला वाले के लिए अबाउट टू लेना है। क्लियर। नेगेटिव बनाना है तो हमें पता ही है ऑलरेडी, ज़्यादा ये कोई मैटर ही नहीं रखता है, हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ देंगे, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, दे आर नॉट अबाउट टू गेट गुड मार्क्स इन टेस्ट, ओके दे आर नॉट अबाउट टू गेट, उन्हें नहीं मिलने वाले हैं गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स इन टेस्ट, टेस्ट में उन्हें टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें पता ही हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को जब हम आगे पिक कर लेते हैं तो वही इंट्रोगेटिव बन जाता है और उसी का मीन्स हो जाता है क्या, ओके तो एग्जाम्पल देखते हैं, वर्ब बी अबाउट टू फॉरगेट, क्या हम भूलने वाले थे, ओके आवर प्रोमिसेस, हमारे वादे, क्या हम हमारे वादे भूलने वाले थे, ओके तो वर्ब बी अबाउट टू फॉरगेट आवर प्रोमिसेस, तो क्या हम हमारे वादे भूलने वाले थे। क्लियर। तो इस तरह से अबाउट टू का यूज होता है। क्लियर। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप और भी कोई क्वेरीज हो या फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ यहीं पर नहीं किसी भी वीडियो में अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, ओके इफ एनी डाउट्स अराइज इन योर माइंड इन एनी केस इन एनी सिचुएशन एंड इन एनी वीडियोस व्हाइल रीडिंग और व्हाइल वॉचिंग वीडियोस, देन यू मस्ट गो इन कमेंट बॉक्स एंड यू कमेंट मी, ओके आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। नाउ अबाउट टू, क्लियर है। एक बार और देखते हैं, अबाउट टू तब यूज करते हैं जब बाकी के लास्ट में मुख्य क्रिया के साथ बाला वाली वाले शब्द आता है, ओके और बाला वाली वाला आता है तो बाला वाली के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेंटेंस हमें पता ही है कि वो पीछे से बनते हैं तो वो बाला वाली मुख्य क्रिया में जुड़ा तो वो अपने आप ही हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ओके सो अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, तो ओके ओके सो नाउ हियर इज फ्यू एग्जाम्पल फॉर यू एंड फॉर मेकिंग यूजिंग अबाउट टू। अब यहां पर हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू इज हियर, मैं कल घूमने वाला हूं, ओके मैं कल घूमने जाने वाला हूं। क्लियर। बनाते हैं, मैं आई है के लिए एम, आई एम वाला वाले के लिए अबाउट टू, ओके इसी वे में चलेंगे, आई एम अबाउट टू, जाने को क्या बोलेंगे, गो, ओके घूमने गो गो, ओके गो फॉर विजिट या विजिटिंग, ओके और कल टुमोरो, आई एम अबाउट टू गो फॉर अ विजिट, फॉर अ विजिट या फॉर अ टूर, टूर भी हम यहां पर लिख सकते हैं, टू मोरो। क्लियर। मैं कल घूमने जाने वाला हूं तो मैं, आई एम अबाउट टू गो, ओके फॉर अ टूर टू मोरो, है ना, या आई एम अबाउट टू विजिट टूमोरो, ऐसा भी करके बना सकते हैं, उसको वर्ब फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, ओके नाउ क्या अब ठंड पड़ने वाली है, क्या अब ठंड पड़ने वाली है, तो क्या अब देखो है, तो एक रूल्स होता है कि अगर सर्दी गर्मी बरसात कोई भी सीजन हमें बताना हो तो वहां सब्जेक्ट के लिए हमको इट का यूज
करना होता है. ओके, वी यूज इट इन एनी केस ऑफ वी मेंशन एनी क्लाइमेट सिचुएशन. तो यहाँ ठंड की सिचुएशन है, सो हम क्या लेंगे, इट. तो इट के साथ क्या लगाते हैं, इज. इज इट अबाउट टू, इज इट अबाउट टू. ओके, पढ़ना जब भी होता है तो हम क्या लिखेंगे, गेट. ठंड पड़ना, सर्दी पड़ना, गर्मी पड़ना, ओके, वहां पर. क्योंकि रेन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेन वर्ब का ही काम करती है, लेकिन यहाँ ठंड वर्ब नहीं है, हमें वर्ब चाहिए. तो पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे, गेट. तो इट इज इट अबाउट टू गेट, ओके, कोल्ड नाउ. इज इट अबाउट टू गेट कोल्ड नाउ. क्लियर. नेक्स्ट, वह कविता गाने वाला है. ओके, वह, ही इज अबाउट टू गाने को रिसाइट, दोहराना मतलब. ओके, यहां पर इस वर्ब को याद करें, गाना मतलब दोहराना. रिसाइट अ पोयम, रिसाइट अ पोयम. ही इज अबाउट टू रिसाइट अ पोयम. क्लियर. मैं घूमने जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, ओके, फॉर अ टूर. नेक्स्ट, क्या ठंड पड़ने वाली है, तो इज इट अबाउट टू गेट कोल्ड नाउ. भाई कविता गाने वाला है, ही इज अबाउट टू रिसाइट पोयम. नेक्स्ट, आप उसकी इंसल्ट नहीं करने वाले थे. आप मीन्स यू, यू वर, नेगेटिव होता है तो नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही पुट करते हैं. ओके, ऑलवेज पुट हेल्पिंग वर्ब, ओ सॉरी, नोट विथ हेल्पिंग वर्ब. सो हियर इज इन नेगेटिव केस, वी विल ऑल्सो पुट नोट विथ हेल्पिंग वर्ब. यू वर नॉट, ओके, यू वर नॉट इंसल्ट. ओके, इंसल्ट करना खुद ही वर्ब है, तो इंसल्ट. यू वर नॉट इंसल्ट उसकी, हिम और हर. ओके, अकॉर्डिंग टू जेंडर, यू वर नॉट इंसल्ट हिम और हर. क्लियर. क्या सरकार पेट्रोल के दाम घटाने वाली है, या रियली. देन क्या सरकार, तो सरकार सिंगुलर फॉर्म में है, तो इज गवर्नमेंट, इज गवर्नमेंट इज द, ओके, इज द गवर्नमेंट अबाउट टू रेड्यूस, ओके, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल. ओके, इज द गवर्नमेंट अबाउट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल. क्लियर. तो इस तरह से हम बना सकते हैं, मैं कल घूमने जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो फॉर अ टूर. क्या ठंड पड़ने वाली है, ओके, इज इट अबाउट टू गेट कोल्ड नाउ. भाई कविता गाने वाला है, ही इज अबाउट टू रिसाइट पोयम. आप उसकी इंसल्ट नहीं करने वाले थे, यू वर नॉट अबाउट टू इंसल्ट हिम. क्या सरकार पेट्रोल के दाम घटाने वाली है, तो इज द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल. क्लियर. इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जनरली. ओके, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप एक बार सीखने के बाद अपने आप से बहुत सारे सेंटेंस वाला वाली का यूज करके बनाए और बनाएंगे. ओके, इफ यू मेक योर ओन सेंटेंस देन यू विल लर्न. ओके, यहाँ जितने सेंटेंस मैंने बनाए हैं, ये मैंने अपने माइंड से, ओके, और अपनी सेंस से बनाए हैं, तो मुझे पता है इनको कैसे बनाना है. When you will make your own sentence, you will learn how to make sentence using about to. Okay, because the sentence, okay, which you are going to make, okay, in case you will put your mind, yeah, you will enforce your mind on the sentence. Okay, so it is a need of your, okay, learning. Ki you have to make your own sentence using about to. Clear? Okay, so इसी प्रकार के और भी नए videos के साथ, okay, we will meet again. In next videos or with next topic. So till then, thank you and enjoy watching videos.